विक्की नारंग पेश करते हैं एक पारिवारिक नाटक संदूक में बंदूक, जिसको शानदार निर्देशन दिया है राजेश सिंह पुरिया ने। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाहं प्रचोदयात्। जजमान, कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। ओम विश्वाणी देवस्य वितुर्दुरितानि परासु। कप्तान के पापा? हाँ। यो क्या जुलम करने लग रहा है? देखते हैं क्या अपने घर की बर्बादी क्यों करने लग रहा है भरी। अरे भगवान, मारे बेटे का तो ब्याह होने लग रहा, मारे घर में बहु आने के काम होने लग रहे, बेटे के फेरे होने लग रहे, और तू इसने बर्बादी का काम बताओ से। तू भी कप्तान के पापा निराया डूस है। मन्ना कैसे ना, और इस बार मन्ना कहूँ सो। कप्तान की माँ, तू भी है ना, मेरे रोज नए नाम बदले रहे से। काल ताई मैंने उल्लू कहा करती, आज नया नाम काट दिया आड़ू। हाँ न्यू बता के कैसे इस आड़ू तो तू न्यू कहूँ सो। मत दान दहेज की खोलो है बिना फेरे जमानी उड़ दू। ना 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 ना, इसी बात नहीं क्या करते, लोग बात के कहेंगे हमने, और फिर फेरे हुए पाछा ना, तू कुछ भी खोल कर लिए। अच्छा बावड़ी त्रेड़ सा, जब फेरे हो गए तो हमारे हाथ में रहेगा के, जो कि मैं सब फेरा ना पहला सब फेरा पाछा कुछ नहीं। क्यों लालच में फंस रही है, बेटी का बाप के अपनी चालती में कसर छोड़ेगा। तू तो रह गया रघुनाथ, मैं जो जो लेना चाहूँ होश कर बेटी वाला ना, वो चीज दे सारी चीज लिए बिना मैं तो अपने छोरे के फेरे मुड़ नहीं उड़ती। मतरा नीचा दिखावा मान जा। चुप सुन ले, और बीच में बोला ना तो मेरे तो बुरा कुछ नहीं होगा। मेरी हिम्मत कड़स है तेरे शामी बोलन की, मन तेरे शामी बोल के अपने कुर्ते पड़वाने से। ओ मग्नाए स्वाहा इदम मग्नाए इदम नमः। पंडित जी ये फेरे नहीं होंगे, अपने मंत्र संत्र बंद कर दे। के बात हो देने, मारे तो को गलती होगी या कोई खतरदारी में कसर रहेगी। अगर अनदान पने में रह भी गई हो गलती तो हमने तुम माफ कर दे, इसी शुभ घड़ी में इसी बात नहीं करया करें। माफ तो चौधरी तू हमने कर दे, हम पूरा दहेज लिए बिना अपने बेटे के फेरे कोने उड़ दे। तो धनी ईशा जुलम मत ना करे, मैं अपनी औकात फालतू दूंगा। तेरी औकात सह के दो कुर्सी मेज निवार का पलंग 10-20 स्टील के डोबरे और 5-7 गांव गली माथा और सूट कूलर फ्रिज रंगीन टेलीविजन ये तू देन तो रहा। तो दिन मेरा इतना ब्योंत को ना, मैंने तो पल लंबी कही थी कि मैं तो एक हलवे से ब्योंत का मानस हूँ। जजमान, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। सुन रे मुहूर्त के बच्चे, तेरे मुहूर्त के ऊपर फेरे ना करवाने हमने, हम फेरे जब करवाओगे जब मुहूर्त मैं काटूंगी। माँ तू इसी बात क्यों करे से, तने क्या का तोड़ा से, हम कमान आले रहे। चुप रह रे, फालतू बोलने की जरूरत नहीं से, हमने तेरे ऊपर बेरा हाल से कितना खर्चा ला से, वो सारा खर्चा के तरह जमाई देगा, वो खर्चा मैं इनते लूंगी। पढ़ा पोसिया पढ़ाया लिखाया फ्री फंड मैं सो भी दू इनते मैं कर ले जो तना करना से। मेरी बात सुनो चौधरी के बच्चे, जब तू अपनी छोरी का सुहागन देखना चाहता हो तो 1,00,000 रुपए का इंतजाम कर ले, न तो तू अपने घर राजी हम अपने घर राजी, जय राम जी की। तो दिन कुछ तुम्हारी इज्जत का ख्याल करे, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, 1,00,000 रुपया तो हमने कदे सपने में भी कोई ना देखा। ना लग गया लुग गया छोरा, तुमने न्यू सौंप दियो। पर चौधरन 1,00,000 रुपए कड़े ते लावा, इस बात का मन कोई ठेकाना, अपनी छोरी की मेरे छोरे के लिया फेरे करवाने से तो 1,00,000 रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। चौधरन मारे धोरत है कोई सा सौदा भी कोन्या कि हम उससे ने बेच के थारी सारी मांग पूरी कर दिया। हरे धोरे ईसा सौदा से क्यों ना, बता कौन सा सौदा से, 1 मिनट भी नहीं लावा तेरे हाथ ते बिकवा देंगे। यो थारा कर रहा है इसने क्यों ना बेच दो। चौधरन जब हमने घर बेच दिया तो हम रहेंगे कित, क्यों लोग फुटपाथा पे नहीं रहे हैं, फुटपाथा बतेरी जगह से उड़ा रह लियो। चौधरन मेरे यहाँ एक का बेटी कोन्या, 2 बेटी और भी से, हम इस खातर ते घर ने बेच देंगे, पर उन खातर के बेचेंगे या सोचो तम।
जब थारे दोरा के मैं देन नहीं ना था तो छोरी जा मैं बिना के जी सूखा था। इसका तो दहेज पूरा करो, उन न ब्याह जबुल के बारे में सोच लियो। और देख तावड़े से बोलो जब तुमने अपना घर चाहिए से अग जमाई। धन मांगण का लालच पड़ गया दुनिया सारी ने, बेटी के माँ बाप मार दिए दहेज बीमारी ने। धन मांगण का लालच पड़ गया दुनिया सारी ने, बेटी के माँ बाप मार दिए दहेज बीमारी ने। धन मांगण का लालच पड़ गया, मारी बेटी ने दुख ना हो इस बात ते हर माँ बाप डरे। चाहे तन भी पड़ो बेचना पूरी उनकी मांग करे। मरते दम तक बिगड़न ना दे रिश्तेदारी ने। धन मांगण का लालच पड़ गया दुनिया सारी ने, बेटी के माँ बाप मार दिए दहेज बीमारी ने। धन मांगण का लालच पड़ गया, बेटी भी दी धन भी दे दिया फिर भी बाप रहा हीना। सारी उम्र छोरे आड़ा की मर्जी तले पड़े जीना। कै संग परिया फिर रोवे सोप के जीते प्यारी ने। धन मांगण का लालच पड़ गया दुनिया सारी ने, बेटी के माँ बाप मार दिए दहेज बीमारी ने। धन मांगण का लालच पड़ गया, गुड्डी के पापा इब क्यों होगा। जब घर बेच दिया ते रहेंगे कड़े, और जब घर ना बेचा तब बेटी तेल घाली घुली रह जाएगी। और जब यह कहानी होगी तो घर तक बाहर नहीं निकलिया जाएगा। ठीक कैसे, जिसकी बेटी की बारात उल्टी चली जा, उन माँ बापा का के जीवना से मारी बेटी के माथे पे कलंक लाग जाएगा। और यो कलंक लागे पछ है, बेटी ब्यानी मुश्किल हो जाएगी। फिर कौन ब्यावागा मारी बेटी ने। हे राम, किसे गरीब का बेटी मत ना दिए। और जब बेटी देवे तो उसके गले धन जरूर दे दिए, धन जरूर दे दिए। गुड्डी की माँ, जगह छोरे के बाप पंचा का बतलाऊं सु जब कुछ हो शर्म कर ले तो। चौधरी साहब, चौधरी साहब, हाँ मैं अपना खंडवा तेरे पाया में टेकू सु, तू इस खंडवे की लाज इज्जत रख दे, मेरी बेटी छोड़ के ना जाओ। चौधरी साहब, थारी हालत देख के बाकी तो मेरे गात में भी कोन्या, पर मैं भी मजबूर सू, मैं कुछ नहीं कर सकता। चौधरी तू क्यों कर मजबूर से, मेरी घर में ना जमा नहीं चलती, जो कुछ भी से सारा कप्तान की माँ के हाथ में से। उसने तू समझा नहीं सकता। तुम समझाने की बात करो सो, मेरी तो उसके शामी बोलने की हिम्मत भी कोन्या होती। और मैं शामी बोला ना तो मेरी रोटियां ना जोखम हो जाएगी। अच्छा, रोटी ने भी जोखम हो जाएगी तुम्हें। हाँ, और मैं थारी बेटी ने फेरे दीवान के चक्कर में है ना अपनी रोटियां ना खतरा नहीं कर सकता। बेटा कप्तान, तू तरस खा ले मारे पे, हम कितने पूरी करा थारी मांग। देखो जी, मेरे माँ बाप ने पैदा करा सू, पाला सू, पढ़ाया सू, लिखाया सू, मैं इन तबार क्यों कर चालू। माँ बाप का क्या मानना तो मेरा धर्म से। पर बेटा, जिस रास्ते पर तुम चालो सो ना, वो धर्म का नहीं अधर्म का रास्ता से। गुड्डी के पापा,
इब हम के करा के करा गुड्डी की माँ बता मेरा है ना माँ पिताजी रो मत ना माड़ा मन मत करो चिकने बसन पे कदे भी पानी नहीं रुकिया करे थारे रोन का थारे दुख का इन पे कोई भी असर नहीं होवे बेटी तू मत बोल इस कहानी ने हम आप संगवा लेंगे पिताजी थारी इज्जत बिगड़न लाग रही और मैं चुपचाप बेइज्जती का तमाशा देखती रहूं बेटी बेइज्जती तुम्हारी अग्री बिकरवारी से जे हमारे धोरे आज रुपये होते इतनी आन में तम इनके मुंह पर मार देते पिताजी माँ तुमने बतेरी कह ली एक बात मेरी भी सुन लो माँ पिताजी आ जाओ एक बार भीतर ना आ जाओ हाँ बेटी बता तू क्या कहना चाहोस है पिताजी हम घर न गहना टेक दियो और बस फेरे करा दियो वाह बेटी वाह हमने तेरे तैयार उम्मीद नहीं थी कि तू इतनी घटिया निकलेगी आए तू तो बड़ी खुद गर्द से आए घर बेचा पाते इन तेरे छोटे छोटे बाण भाइया ने हम कित कित ले आंदांगे बेटी पिताजी तुम तो हमेशा न्यू कहा करते के गुड्डी तू मेरी बेटी नहीं बेटा से पिताजी मैं खुद गर्ज कोन्या आज मैं अपने पिताजी का बेटा बनकर दिखाऊंगी और बेटी हमने भी बेटन की सलाह सके माँ मेरी बात ध्यान से सुनो जब बारात उल्टी चलेगी तो मारा बट्टा लाग जाएगा और इन ने तो छोरी बहुत मिल जाएंगी नुकसान से तो मारा इस बात में तो बेटी कोई शक कोई ना तुम घर न गहने टेक के चाहे बेच के इनकी मांग पूरी कर दो और मेरे ते फिर दिवा दो फिर देखिए अपनी बेटी के हाथ बेटी इब्बे दिखा देना तू हाथ फेरे लिए पाछे की मैं और बन जाएगी हाँ माँ फेरा पाछे तो मैं की मैं और बन जाऊंगी बेटी घर गया ने धरया पाछे छुटवाएंगी क्यों कर माँ ज्यादा तो ज्यादा 2 महीने लगाऊंगी थारा घर भी छुटवाऊंगी और इनके घर ने भी बिकवा के छोड़ूंगी और सुन माँ जहाँ सच ना चले वहाँ झूठ सही जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही पर माँ एक चीज मैंने दूसरे में जरूर दे दियो वाकई बेटी बात मैं टाइम आने पे बताऊंगी ठीक सा बेटी जो तू कहेगी ना वो ये करांगे क्यों गुड्डी के पापा हाँ ठीक सा नाश्ता होने लग गया से सवा सत्या नाश्ता होने दे तो धनी हाँ ले तो धनी ये हमारे घर के कागज ले ले ये हमारे घर की रजिस्ट्री से 6 महीने के नाम का गहना धर ले जब 6 महीने में 1,00,000 रुपये नहीं देवा तो यो मारा मकान ठहरा हो जाएगा क्या हुई ना बात चौधरी ईब लकड़ा से ना फेरेगा सही मुहूर्त पंडित जी हाँ जजमान ताला सा करवा दे फेरे ईब करा थारा नाश क्या कहा मैं तो नुकू था कि ईब पढ़ू मंत्र पढ़ देखी जा पढ़ देगा मंत्र ओम सोमाए स्वाहा इदम सोमाए इदम नमः ओम मग्नाए स्वाहा इदम मग्ना फेरे संपन्न हुए अच्छा चौधरी हमने तावड़े से विदा करो और हमारा सारा सामान लदवा दो देख दे थारे घर में क्यों रहना जा ना चौधरी कुछ नहीं रहा बुआरी फिर की बेटी गुड्डी चलो गुड्डी के पापा आजा बेटी ने विदा कर दे अच्छा चल अच्छा बेटी गुड्डी चल इतना पुचकार दिला बेटी जा पिताजी तुम माड़ा मन मत करो किसी तरह का फिक्र मत करियो अच्छा चौधरी साहब राम राम अच्छा चौधरी ने राम 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 चौधरी को गलती हो तुम्हारी माफ कर दिए ना चौधरी तना काम खूब चलाया हमारा मन ने इतनी आस नहीं थी राम राम चौधरी राम राम चौधरी राम राम बेटी लोग आइया ना सारिया ने बुला लिया गाड़ में और कया अक बहू आ गई मारा दूसर देखा हो कह दिया सारी लोग आइया ते आन लाग रही है आए बहू क्या नाम से तेरा नाम तो मेरा गुड्डी है गुड्डी पर प्यार से लुगाई मुझे बुआ कहती है बुआ समझी बुढ़ी कहीं की अरे ताई अखिली बहू तो थारा बहुत गड़ा बन लिया रही से आजा पहले बहू ने देखांगे हाँ बेबे साल देखांगे हाँ धन्ना तो पाछे देख लेंगे ये बेबे क्या बताऊं बहू तो बेबे इनका कति कट लिया आ गई है नहीं वो बहुत सुथरी यार इनकी बहू है जब इतना सामान लिया इसे तो सुथरी तो आप पास है और बाकी सामान तो संदूक में सब टिब है ये सारा सामान तो दिखा दिया पर यह संदूक क्यों ना खुली है बेबी
संदूक जब खोलने दूंगा, जब मेरा नेक मिल जाएगा, इतना संदूक नहीं खोलने दूंगा क्यों करे भी। बेटा कमांडर, नेक दत्री भाभी देगी संदूक उससे की से। ए बहू, ए बेटी, इस तरह देव ना संदूक खुलाई का नेक नाग दे दे। संदूक खुलने की बात में सारी लुगाई खड़ी से, क्यों वाल कर रही से। लो यारी ताली खोल लो, नेक भी संदूक में से खुले पाछे मिल लेगा। हाँ ए बहू, मेरा बेटा तो नेक संदूक खोले पाछे ले लेगा। हाँ ताला तो बड़ा मोटा ला रखा से, ताले ने देख कर ऐसा लागे से जनु संदूक में बड़ा कीमती सामान से। घना कीमती सामान सेरी सासू, घना कीमती। और दिखे सावधानी तक खोलिए। कप्तान के पापा, संदूक में बंदूक। संदूक में बंदूक। हाँ सासू, संदूक में बंदूक। सासू ने खोला संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक। सासू डरगी, हे बहुहर तू यो के लाई से, के हमने मारने आई से। सासू ने खोला संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक। सासू डरगी, हे बहुहर तू यो के लाई से, के हमने मारने आई से। मारी बहू धन भोते ल्यावेगी, सुसरे की गुठी सासू ने हार पढ़ावेगी। सोची थी मन मारी बहू धन भोते ल्यावेगी, सुसरे की गुठी सासू ने हार पढ़ावेगी। कितकी गुठी कितका हार, सोदा ल्याई मानस मार। कुछ नहीं पाया हे पापण के यह मन भाई से, तू हमने मारने आई से। ठीक नहीं तेरे तेवर, कुछ ना कुछ तो करेगी तू। हे के ते हमने मारेगी ना, आप मरेगी तू। ठीक नहीं तेरे तेवर, कुछ ना कुछ तो करेगी तू। हे के ते हमने मारेगी ना, आप मरेगी तू। तेरा से कुछ और इरादा, इन बाता में कुछ नहीं फायदा। कैसे परिया हे चाड़ी, किसी साथ चढ़ाई से, के हमने मारने आई से। सासू ने खोला संदूक, उसमें लकड़ी एक बंदूक। सासू डरगी, हे बहुहर तू यो के लाई से, के हमने मारने आई से। के हमने मारने आई से। हे बेटी तू यो के सौदा लाई, इसका क्या करेगी। हे बीबी, या ताची बहु आई जो दूसरे में बंदूक ले आई। बे कोई न्यारे डाल की बहु से, ये मजा तो इब्बा आवेगा। शेर ना सवा शेर तो ईव टकरिया से, और मैं तो बे या ठिल्ली से ने सब तगाम का काबू में नहीं आनी थी। बेटी इसकी नाल प्रेम कर ले, गोली चाल जावे ना तो आदमी मर जाता है। मैंने बंदूक चलती एक फिल्म में देखी थी बेटी, इसका मुंह अपनी सासू का ना कर ले। ना बेटी ना, इसने उल्टी है संदूक में दर्द दे। मन्नत मरनता बहुत गना डर लागे से, और मेरा ही बमरण कति जी नहीं करता से। कोई बात ना बेटी, जब इसका मरण न जी करेगा ना, आप बता देगी या तेरे हाथ मरेगी। मैं किसी ने मरण नहीं आई। और यह बंदूक बेटी निवास में दिखाने खातिर लाई से, या तो मैं अपने बचाव ताई लाई सू। क्यों बचाओ ना, तेरे पर तो बचाल थी। जो मानस मेरे बाप सारा धन घर बार न लूट सके से, उनकी बेइज्जती कर सके से, वो मन न मारती आना पाछे थोड़ी देखेंगे। बेटी इब्बा मारा ईसा कोई इरादा नहीं, जब ईसा इरादा बनेगा तो तना बता देंगे। उल्टी तो मैं धर दियू सू, पर न्यू सोच ले, जितनी तेरी चालनी थी ना चाल ली,
इब आगे इस थारे ढूंढ में मेरी चल लगी। क्या सोचा है तू? मैं तेरे ते डर गई। तेरे जीसी मने बहुत गनी देखी से। मेरा नाम भी अठिल्ली सा अठिल्ली। अठिल्ली अपनी अटपा आ गई तो तेरे अड़े तक चाल सीखे पान दिखेंगे। वाह वाह वाह, क्या सोचती तू? अपने बेटे ने फेरे देख कर बहु ब्याह कर लिया इसे, तू अपनी मौत ने ब्याह कर लिया इसे। मौत? हठीली की मौत? तू हठीली की मौत बनेगी? बावड़ी, ये बता तेरे खेलन खान के दिन से, और जुन से स्कूल में तू पढ़ी है ना, उस स्कूल में मैं हेडमास्टर नहीं रह काली। अच्छा, दिखे से हमारे स्कूल के हेडमास्टर का लगता तू ये ओढ़ रही थी। ए, अपनी जबान ने संभाल कर बात कर, क्या नाम है तेरा? बुआ, प्यार से लोग मुझे बुआ कहते हैं। बुआ बुआ होगी अपने घर क्या की? डायलॉग बाजी करनी होली। अभी आखिरी डायलॉग बाकी है बूढ़ी। ओ भी बैंड दे। तो सुन, मैं तने काट के छोड़ूंगी, और जब नहीं काटी तो गाड़ के छोड़ूंगी। जिसा तुमने मेरे माँ बाप गलिया कराया सा ना, उसा जब मैं थारी गलिया नहीं कर दू ना, तो मेरा नाम बुआ नहीं बुआ। ए, यो तो सुना मेरी बेचारी बखत बतावेगा कौन किसने काट देगा। और फिलहाल तो सुन ले, इस चुन्नी ने गल मत काट ले और गुंगट कर ले, तेरा ससुरा आवस है। ईब तो परा दादी बन गई मारी दादी। ससुर जी, यह बुढ़ी पता है क्या बोलती? हे पापा ना बाबू ना सीता है ससुर जी। न्यू तो सोच ससुरा ना कया, यह बुढ़ी न्यू कैसे गुंगट काट ले। हाँ बेटी ठीक कैसे, गाँव में यह रिवाज होया करे, अके बहु है ना अपने ससुरे ते अपने जेठ ते घूंघट करे आगरे। जब तू मने देखन गया, पसंद करन गया, जब तक तू मेरे मुंह कने टुकर टुकर लखाए गया, तने मेरा मुंह अच्छी तरिया देखया। वो तो बस मैं न्यू देखन चला। न्यू क्यों कर? जब तने मेरा मुंह देख लिया तो ये घूंघट का ढोंग किस बात का? घूंघट ते वे करवाया करते जो बिना देखे लड़की ने अपनी बहू बना लिया करते। पर लोग दिखावा तो सब क्यों करना पड़ा सा? तू के मना बेकूफ लारी से, क्यों पढ़ लारी से? मैं यो 2000 रुपया का क्रीम पाउडर न्यू ए खराब कर दियूं। खराब खराब करण की कौन कैसा है लाले? नट कौन से? बहुत बढ़िया, पहला फूल काट के ऊपर तक कालस फेर देवे तो के फायदा होगा फूल काटण का? जब घूंघट काट लिया तो जो मुंह पे सामान लाऊंगी वो किसने दिखेगा? जे मन घूंघट काट लिया मेरा मेकअप क्यों कर दिखेरी? जय मन घूंघट काट लिया मेरा मेकअप क्यों कर दिखेरी? लाली पाउडर मेरा देख कैसा सुमत न्या दिखेरी? जय मन घूंघट काट लिया मेरा मेकअप क्यों कर दिखेरी? लाली पाउडर मेरा देख कैसा सुमत न्या दिखेरी? जय मन घूंघट काट लिया। किसने की दिखे काना में चुमकी पारा की सोने की नाथ गड़ी।
मारी थी जी कैरी जे मन घूंघट काट लिया मेरा मेकअप क्यों कर दी खैरी लाली पाउडर मेरा देख कैसा तू मत ना जी खैरी जे मन घूंघट काट लिया तो क्यों मैंने क्या करना पड़ेगा ना तो या मेरे पंजे नहीं टेकन देगी एक बात से कप्तान की माँ तने सीधी भी जाए बहू कर सके से मेरी तो तेरे आगे कदे पार बसाई नहीं बेईमान बुड्ढे मैं तने कदे गाल दियो सु कदे ठंड बोलू सु ना तू तो बियाराम तो बोला से गाल तो तने कदे आज तक दिए नहीं क्यों दुखते पर नून छिड़के से एक आधी बगाल दे दियो सु तो क्या तू माड़ा हो जैसे ना माड़ा कड़ा हूँ था तेरी गाल ते मेरा गीबर की लागे से कप्तान के पापा एक काम कर के इस बहू ने छोड़ दे तू तो छोड़ देगी के सोचा से या हमने छोड़ देगी जो गेला दोनों वाली बंदूक ले आ रही तेरी मर तेरा मरना जी करता होगा मेरा तो मरना जी नहीं करता जाए रोए के मैं तो बता इसका इलाज ना तो मैं तेरा टक्कर मार के मर जाऊंगी तेरी टक्कर लग गया पाछा मैं कौन सा जिंदा रह जाऊंगा देख भगवान हमेशा तेरी गैल इस डाला रहा हूँ जिस डाला भैंस गेला का टूटू रहा करे जो अट्टे जो अट्टे लड़े और झाड़ बोझड़ा का खो तुम सासू बहू लड़ो मन क्यों बीच में ले हो सो तू सास तेरा काम सब बहू गेला लड़न का मैं चला अपनी पौड़ी में और मेरी बात सुन क्यों बीच में बोलूं जी आपस का झगड़ा थारा क्यों बीच में बोलूं जी आपस का झगड़ा थारा क्यों बीच में बोलूं जी आपस का झगड़ा थारा तम न्यारी और मैं न्यारा तम ठुकरे जूत बजाओ मेरा बाजन दो एक तारा तम ठुकरे जूत बजाओ मेरा बाजन दो एक तारा लेऊंगा तो दूसरी चक देगी फट्टा एक ही मेर लेऊंगा तो दूसरी चक देगी फट्टा जो वीरा के बीच में बोलव हो उल्लू का पट्ठा क्यों बीच में डोलूं जी हो जाऊं नौ दो ग्यारह क्यों बीच में डोलूं जी हो जाऊं नौ दो ग्यारह तम न्यारी और मैं न्यारा तुम ठुकरे जूत बजाओ मेरा बाजन दो एक तारा तम ठुकरे जूत बजाओ मेरा बाजन दो एक तारा आज फैसला हो जाने दो कौन थारे मैं छोटी आज फैसला हो जाने दो कौन थारे मैं छोटी मैं भी मनोरंजन कर लूंगा इपटन दो छोटी क्यों गाठ मैं खोलूं जी मेरे होरे से पोबारा क्यों गाठ मैं खोलूं जी मेरे होरे से पोबारा तम न्यारी और मैं न्यारा तम ठुकरे जूत बजाओ मेरा बाजन दो एक तारा
तम टुकरे जूत बजाओ मेरा बाजन दो एक तारा। सास बहू ने माँ बेटी की डाला चाहिए रहना, सास बहू ने माँ बेटी की डाला चाहिए रहना, कैसंग परिया मानना चाहिए एक दूसरी का कहना। मैं कुफर न तोलूं जी बेमौत जाऊंगा मारा, मैं कुफर न तोलूं जी बेमौत जाऊंगा मारा, तम न्यारी और मैं न्यारा, तम घर में जूत बजाओ मैं पोड़ी में एक तारा, तम घर में जूत बजाओ मैं पोड़ी में एक तारा, तू बीच में बोलूं जी आपस का झगड़ा थारा, तू बीच में बोलूं जी आपस का झगड़ा थारा। अरे बेटा कप्तान क्या करेगा इस बहू का, या तब बहू को ना भूतनी से। अरे माँ भूतनी कांजरी का के बिगाड़ कैसे। अरे बेटा या हमने सारा न मार का पानी पीवागी, इस तरह पहले वो हमने मारे हमने कुछ करना चाहिए। माँ पहला तो तना कदे धरती पर पा टिका नहीं, इब कम तक कम इब तो सुधर जा। अरे न्यू बोली मैं तना कार्ड का छोड़ूंगी। माँ तन्ने भी तो नू एक ही से। अरे बेटा मेरा तो घर से मत कहूंगी। उसने भी तो इस घर की खातिर अपना घर भी बेच दिया, बीवी के उसका सन जागोनी। इतना सासू जी वैसे ना इतना बहू का घर में कोई ऐसा नहीं होता, और गांव में है ना बेटा गड़म लगता घेर का चल रहा हंडे जा से नहीं, उसका कती शर्म नहीं। अरे माँ जितनी शर्म थमने उनके माँ बाप की करी उसी वे थारी करेगी, उनकी बेइज्जती करने में थमने कौन सी गांठ डाल दी। अरे मैं थारी हमारी मरूस हूँ, मन ने क्या छाती बदर कर ले जाना सह, और तुम रहोगे भले के भले सारी भूड मेरे बंदेगी। मैं न्यू कहूँ सू जो होगी सो होगी, जिस तरिया वा चल है उसने चलन दे। वह गांव में शेरो गाड़ी का चाल है, मारी कती बेइज्जती करवा रखी से, मैं क्यों कर बर्दाश्त कर लूं। माँ जब तू है उसकी ना माने तो वह तेरी क्यों कर मानेगी, उसने इस घर में बस लेन दे, क्यों मेरी बहू गल खसी लारी से। तू क्यों लठी देरी से माँ मेरी बहू के नल में, तू क्यों लठ देरी से माँ मेरी बहू के नल में, तेरी बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में, गड़ में बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में, तू क्यों लठ देरी से माँ मेरी बहू के नल में, तू क्यों लठ देरी से माँ मेरी बहू के नल में, तेरी बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में, गड़ में बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में। छे जालिए तेरी बहू के फैशन ने हम खा लिए, माँ घूंघट के जमाने तो पछे जालिए तेरी बहू के फैशन ने हम खा लिए, तू करना चाहे से इसने अपने बल में, तेरी बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में, गड़ में बन्नो ने समझा चल गिर देरी से माँ मेरी बहू के नल में, तू क्यों लठ देरी से माँ मेरी बहू के नल में, तेरी बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में, गड़ में बन्नो ने समझा चल गिर कचुनिया गड़ में। कप्तान के पापा। हाँ के कथी के करूं, जब भी इस बहू न काम की कहूँ सुने जब बनू कैसे ले आऊं बंदूक। अच्छा मन्नत है इतना डर इस बहू तो नहीं लगता जितना बंदूक। मेरी बात सुने, अब तू चलो क्या डरी
मेरे तो कदे ना डरी तू। इस बंदूक ते क्यों करे पंडा चटवा दे, मैं तकती सुखा दी इस बंदूक ने। जब सलाह मांगे से तब बताऊं। बता। इस बंदूक ने ना किसे कबाड़ी के बेच दे। कबाड़ी ले लेगा। कबाड़ी? हाँ। कबाड़ी ले ले तन्ने या तो बंदूक से। अरे यो सौदा जब करिए, जब वो बहु पानी पात न जा रही हो कि तबाड़ने न जा रही हो। ठीक से आज आन दे किसे कबाड़ी ने, इस बंदूक का दरो कट करूंगी। को टूटा फूटा लोहा बेच लो, लोहे का नून बदलवा ले, बेच लो को टूटा फूटा लोहा। कुछ टकराए नहीं इतनी। ओ बुड्ढे। हाँ। लोहा ले होगा? लोहा ले उस और के मैं खोवा ले उस। मारा एक बंदूक है, वो ले लेगा। बंदूक? मरवाऊंगी मैंने। मैं कौन है लू बंदूक बंदूक? मैं तो लो वाली हूँ सर, वो भी टूटा फूटा। फिर वो भी लो की से और पुरानी हो रही से तेरी नई हो से तेरी पुरानी, मन्ने नहीं लेनी, मन्ने तो लागे से डर मैशू गरीब आदमी। देख तेरा जी करे ना जो दे दिए, पर इस बीमारी ना मारे घर ते ले जा। दिखा दे किसी से, तू भी बुढ़ापे में निशाने चलवा के मानेगी मेरे। जाइए ना ये भाई मैं, वो भी भाई रोई रांड के जानेगी। ले आई थी बंदूक, और देख बुड्ढे मारी बहू आ जाने तो उस तब बताइए ना। मैं कोना बताऊं को टीवी। ओ बुड्ढे। हाँ बेटी। ताऊ मेरे सासू तेरे गल के बतलाव थी। बेटी के बतलाव थी? आड़ ने आड़ प्यारा हो से। अरे बेबे हम तो अपने टोटे ने फेंकी बतला लाग रहे थे। अच्छा अच्छा झूठ बोल रहे, टोटे न फेंकी बतलाओ न उसने तू है पाव था। मैंने थारी सारी बात सुन ली से। आए, इसने तो सारी सुन ली मेरी। वह बंदूक नहीं बेचे थी तेरे ताई? नो 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 ना ना करे, बिना लाइसेंस की बंदूक ले वे दोनों ने भीतर निकलवा दूंगी। फिर बतलाइयो चिक्कन है जेल में, टोटे न फेंकी भी ना। बेटी मने माफ कर दे, मने जेल तो बहुत डर लागे से। और देखे बेटू ने तो गणिये मोटी मोटी रोटी दे से, मेरे तो जार दात भी को ना बता क्यों कर चाबूंगा मैं। माफ तो कर दूंगी बुड्ढे तने, पर तने मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बता बेटी कौन सी बात सवा? तू कबाड़ा तले तांडे से। हाँ। सासू ने भी कबाड़ा ऐसा समझ ले ले, इसने ले ले, मैं बेचने तैयार हूँ। बेटी ले तो लियो, पर इसके नेप की चोली तो ना बनवा रखी। हे भगवान, अच्छे कसाईया का फंस गया। एक जनी तो बंदूक बेचता से, और एक बेचने लायक रिश्ता सासू ने। ठीक कहूँ सुताऊ, ले मेरी बात सुन ले। सुना। मेरी सास ने ले ले मोलू बुढ़े, करती नहीं मखोल तू इसका की दीगा। मेरी सास न ले ले मोलू बुढ़े, करती नहीं मखोल तू इसका की दीगा। ले बिस्क ते तू तोलिया बुढ़ी, चीज खास अनमोल तू इसका की दीगा। मेरी सास न ले ले मोलू बुढ़े, करती नहीं मखोल तू इसका की दीगा। तेरे दोरे पीस नहीं हो नून बदलवा लूंगी मैं, नून नहीं हो तो इसके गोला मिसरी खा लूंगी मैं। जे तेरे दोरे पीस नहीं हो नून बदलवा लूंगी मैं, नून नहीं हो तो इसके गोला मिसरी खा लूंगी मैं। हाय मिसरी खा लूंगी मैं। इतनी ये ले ले सस्ती एकली, फिर मारूंगी मस्ती तू इसका के देगा। मेरी सास न ले ले मोलो बुटे, करती नहीं मखोल तू इसका के देगा।
ले जावे ते मंजा मेरी दिवाली, मेरा पेंडा छुट जा और तन मिल जा टुक पोन आली। जै तू इसने ले जावे ते मन जा मेरी दिवाली, मेरा पेंडा छुट जा और तन मिल जा टुक पोन आली, मिल जा टुक पोन आली। कर फायदे का काम देख फिर होता आवे घाम, तू इसका के देगा मेरी सास न ले ले मोल, बूढ़े करती नहीं मखोल, तू इसका के देगा ले बिस्क ते तू तोली, या बूढ़ी चीज खास अनमोल, तू इसका के देगा। माल पुराना लेता फिर कबाड़ा तू, सिंह परिये तेरी दिहाड़ी बन जा मार लेता बड़ा दाड़ा तू। मेरी सास भी माल पुराना लेता फिर कबाड़ा तू, सिंह परिये तेरी दिहाड़ी बन जा मार लेता बड़ा दाड़ा तू, मार लेता बड़ा दाड़ा तू। मत करे सोच विचार देख कर लूंगी तेरी उधार, तू इसका के देगा मेरी सास न ले ले मोलो, बुढ़े करती नहीं मखोल, तू इसका के देगा ले बेसक ते तू तोलिया, बुढ़ी चीज खास अनमोल, तू इसका के देगा मेरी सास न ले ले मोलो, बुढ़े करती नहीं मखोल, तू इसका के देगा मेरी सास न ले ले देगा। बात बता बेटी के? स्त्री सासू ने लेके क्यों कर जाऊंगा? वो मेरा काम से। एक बात बता, वह बंदूक लेने जा रही से ना? हाँ बंदूक लेने गई से। तो जब वह बंदूक लेके आवे ना तो तू उसने न्यू कह दिए के इसने गांव तक बाहर काट का ना तो मने कोई पकड़ लेगा, और जब वो गांव तक बाहर तने बंदूक देने जाना है तो तू उसने ले जाइए। अच्छा ठीक से बेटी, उस जोगा तो मैं रह रहा हूँ, आगे मेरा काम जाने और वहाँ जाने बस, और तू अपने नौ हाथ की सोड़ में सो। बुढ़े बुढ़े ले या बंदूक, मारी बहुत नहीं आई ना कौन आई, पर एक काम करे तू मने गांव तो बाहर कटवा का कदे को देख ले। गांव तो बाहर है? हाँ। किसी ने देख ली तो मैं फंस जाएंगी। और मैं फंस गया तोर बंदूक अरे मेरे पीछे दे दे, मैं चलूंगा। तू क्यों कर चली जाएगी? क्यों कर चली जाएगी? हाँ अपने घर जाएगी। क्यों कर लेकर जाएगी? देखे बात सुन, तेरे दाम दे रखे से। मेरे दाम? हाँ तू तो अपनी बहू की बंदूक बेचती थी, अरे बहू न तू है बेच दी पूरी पांच सौ की बोली, तू तो मैंने मेरे तभी महंगी पड़ रही से। दो जू तुम्हारूंगी शर्म है, अरे फिर अटकेगी बात नहीं करेगा। जूत के न्यू मार देगी, उनसा मत ना फ्री फंड मले जान लाग रहा सू, मेरा रोटी पोन वाली भी कौन है भगवान। हाय देख बाही रोई न के चाला करया से, ईब के करूं, यो कबाड़ी भी मेरे पीछे दे क्या रहा से, न्यू कोई ना जान दे के माना के मैं खेल रचना पड़ेगा। हाँ भाई बुड्ढे भाई सुने, तना रोटी पोन वाली चाहिए ना, रोटी जरूरी नहीं बहु पोवे, रोटी पान भी पोस कैसे। बुड्ढी तना तो बहुत तोड़ा नेक बदला मिला दिए 500 रुपये मेरे सारे नून में। बुड्ढे देख भाई तू मेरा धर्म का भाई, मैं तेरी धर्म की बाण। ठीक से बेबे हम भी आ रहे गए यार सा, और बाण आगे भाई आज तो कबाड़ी भी तेरा धर्म का भाई से समझी। चल भाई भाई कबाड़ी मन तू आड़ ली आया, घर वाले बाट देखते होंगे, और उस बहू रंडी का तो है ना चंदना हो रहा होगा, और बुढ़ा मेरे बिना रोएगा, बेरा ना उसका क्या हाल होगा। ठीक से बेबे इब तो देखे वार होगी, तू सो जा और तड़का उठते तो ना छोड़ जाऊंगा। ठीक ठीक से भाई।
पापा। ओ पापा। हाँ बेटे कप्तान, के बात से के कह था? रात के 11:30 बज गए और मेरी माँ का कोई अता पता नहीं के मेरा किता मर मार गई हो। अरे इसे मारे क्रम करे से न्यू मरण की ना सतरी माँ तड़के आड़े देख रही आड़े पाओगी। सो जाओ। ये अठिली अठिली है। हाँ भाई। ये देखे तुम जो खड़ाया असल तो ना घरा छोड़ आऊ। चल भाई। अरे यहाँ ले बंदूक देखे और अपने भाईया का बन जाकर पहुंची और मैं बंदू तेरा बंदूक या ले और चल चल बेबे तेरा तो तेरा घर छोड़ दूंगा और मैं एक फेरी लाऊंगा देखा कोई बूढ़ी फंस गया तेरी भाभी बन जाएगी ले और उसको फालतू और भला के होगा। ठीक सब भाई चल बूढ़ा रोता होगा। ससुर जी सुनो सो। हाँ बहू क्या कह थी? मैंने तो काल की ना रोटी भी ना खाई से मैं मेरी सासू भी ना क्यों कर जीऊंगी। हाय मेरी सासू माँ। हे बेटी रोड़ा ना करे रोटी खा लेने मना आराम ते जिस तरह मैं जीऊंगा उसे रातू जी लिए। आगी वह आगी भाई रोई रांड वह आगी। ये कौन भाई रोई रांड आगी? भाई रोई ना मेरी सासू उल्टी आगी ई के होगा। अच्छा बेबे ठिल्ली राम राम बाय बाय टाटा मैं भी तो एक रुक के मार लूंगा मजाक ने। है कबाड़े वाला कबाड़ा घर त डगा लो फैदमो के काठा लो। कबाड़ा घर त डगा लो फैदमो के काठा लो। अपनी बूढ़ी सासू का बेशक तनून बदला लो। होवा मेरे ते बतलाओ जिसकी सासू लड़ती होवा मेरे ते बतलाओ। घर ते फालतू समझ के उसने मेरे ते दे जाओ। अपनी बूढ़ी सासू का बेशक तनून बदला लो। तेली का जी तम दे के खुश मैं ले के खुश के कर तेली का जी। इस बूढ़े ने बूढ़ी दे के हाय कर दो आज राजी। अपनी बूढ़ी सासू का बेशक तनून बदला लो। रोज रोज ये बेटी बहुओ आता ना इसा मौका। बूढ़ा व्यापारी आ रहा से यो मार देवेगा चोखा। कबाड़ा घर से डगा लो फैदमो के काटा
अपनी बूढ़ी सासू का बेशक तनून बदला लो कप्तान के पापा कप्तान की माँ आ गई। मैंने तो तेरे बिना रोटी भी ना खाई, मैं तो तेरे बिना भूखा मर गया। बुड्ढा भी पूरा पाखंडी से पांच छह टिकड़ सूड़े बैठा था। वेरा से इस बहू ने मेरी गेले के चावा करया से के करया इस नमक कबाड़ी का बेच दी। कबाड़ी ओट सके से तने और कुन ओट था मेरे बिना। इसने मेरी गेले ऐसा जुलम करया से और तू भी इसने कुछ नहीं करता तो न भी मेरी कभी दया नहीं आती। दया क्यों ना आती? अरे मैं तेरा मारा मरूस हूँ और मैं छाती में धर के ले जाना से और देखी भी धमकाऊ। ए बहू बहू है तने शर्म नहीं आती? तने इतना घटिया कर्म करया सही धमकाऊ सुना कप्तान की माँ। और कड़ी धमका और कड़ी धमकाऊ लेता है आए बोलती कौन है? ये तेरे माँ बाप ने यह सिखाई थी कि सासू ने बेच दी है। मैं मेरी क्या गलती थी सुसर जी? या मेरी बंदूक बेचे थी मन या ये बेच दी? बंदूक में और सासू में कोई फर्क नहीं। फर्क से क्या फर्क से? फर्क यो से बंदूक एकदम मार दे आदमी ने और सासू तड़पा तड़पा के मारे से। शाबाश देखा कितनी शानी से मारी बहू। बिना तड़ी के लोटे मैं संडो दमकान की कहूँ सू और तू इसकी बड़ाई करे से लेता ईब का देख मेरे हाथ। चले बहू मारे घर तले कर जा, हमने तेरी पर की बनो की जमा जरूरत नहीं। शाबाश बुड्ढे शाबाश। सुनो बुड्ढे कान खोल के सुन ले, जित तेरी जगह से ना उड़े अड़े रहिए उड़े बैठे रहिए ना करवा लेगा बेइज्जती मेरे हाथा। बेइज्जती यो मेरा अरिस पप्पन का रोड़ा से तू बीच में मत ना आवे, तन्ना जब बीच में टांग अड़ाई तो तेरा भी यो हाल होगा। कौन सा जितनी सुधी सूं मैं ससुर जी सारे गाम ने बीरा से, जितनी सुधी सूं मैं ससुर जी सारे गाम ने बीरा से। पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से, पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से, जितनी सूती सोम ससुर जी सारे गाम ने बीरा से, जितनी सूती सोम ससुर जी सारे गाम ने बीरा से। पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से, पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से। पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से, पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से। जितनी डाकी जिसकी पापी लग सो वो भी डरते के काकी, हाँ काकी हाय काकी। औरत ने बेरा से पाके नाम क्यों बुआ मेरा से, पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से, पिछले साल सास बेची थी इब के नंबर तेरा से। तू फाड़े जाने होके
मां ढोके हाय ढोके सिंह पर ये खा जागा धोखे कितना कया बतेरा से पछले साल सास बेची थी किब के नंबर तेरा से पछले साल सास बेची थी किब के नंबर तेरा से जितनी सूथी सो में ससुर दी सारे गाम ने बीरा से जितनी सूथी सो में ससुर दी सारे गाम ने बीरा से पछले साल सास बेची थी किब के नंबर तेरा से पछले साल सास बेची थी किब के नंबर तेरा से पछले साल सास बेची थी किब के नंबर तेरा से कप्तान की माँ जय हम नुआ हाथ पा हाथ धरे बैठे रहे ना ते आप बहु दोनों ने बेचेगी खुल गई आज तेरी आंखें इसने डगा में क्यों करे यू तो अच्छा भूतगढ़ न गलिया एक बात तो देख ली आंगे तर लड़ाई तो तिया काट डी को ना जा और प्यार तक कह दे लेकर जागी ईब ते फिर भी लेकर सके से अगर इसका कोई बालक चीड़क हो गया ना फिर तो यहाँ क्यों करा भी नहीं लेकर मेरा एक बात ध्यान में आवे है के इसका ऑपरेशन करवा दूं हैं और ऑपरेशन हो गया ना तो इसका बालक नहीं होंगे अच्छा और जो इसका बालक नहीं होंगे हाँ तो इसमें हम बांझ कह के घर तक काट देंगे बांझ कह के घर तक काट जाएंगे ऑपरेशन या नुआ करवा लेगी इस बहू ने तो तू बकरी का बच्चा मान ली सके पाया में दाबे लेगी या शेरनी से खा जाएगी तो ना आगे तो नहीं या प्यार तो पटाऊंगी मैं इसने मैं भी देख लूंगा देखा तू किसे प्यार तो पटावेगी बेटी गुड़ी ए बू हे मेरी लाडली कित लुकरी सा ओहो आज ये बुढ़ी इतनी मीठी क्यों कर बोल रहा सा सापन के मुंह ते यो रस क्यों कर टपके सा आज मने ते कि मैं दाल में काला लग गया सा हाँ के कह थी माँ जी हे मेरी बेटी सारी अन काम कर लगी रस है दखे के वहां खा लिया करे ना खाओगी तो कमाओगी क्यों करे सारी गाल की लुगाई टोकन लगी थारी सुबह होने के वहां खाने दो सुख ना कति सुखती आवस है अरे तने बेरा तो सह मेरा कौन सा रोग लाग रहा है मेरा तो तने गर्दा का डण का रोग लाग रहा है बेटी पछली बात तने भूल जा दखे सासू बहू के रोले तो नुए होए जा करे से मन तैसा लागस है तेरा कि मैं पथरी पथरी से और इस कारण तू भरती नहीं माड़ी होती आवस है चल तन के डॉक्टर का दिखा लेऊं ये मन अपनी व्याख दिखानी से चल तू कद कद कहेगी मन डॉक्टर के ले जान की चल चल बेटी बेटी तू आड़ बैठ जा मैं डॉक्टर ना देख के आऊं सु जा देखिया मां देखूं तो या बुड्ढी कित जास है कोई भरोसा नहीं इस रंड का डॉक्टर साहब राम 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 कहो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी डॉक्टर साहब मैं अपनी बहू ने गले लाई सू अच्छा और तावड़ा सा उसका ऑपरेशन कर दे अच्छा बहू का ऑपरेशन करवाना है कितने बच्चे हैं ब्याह है तो बस एक महीना होया से ई तो पहले बाल कड़े तो थे देखिए बच्चे होने से पहले ऑपरेशन करवाना क्यों चाहती हो अरे सास तो देखी पर तुम्हारे से नीचे नीचे डॉक्टर साहब इसका ऑपरेशन हो जाएगा तो इसका बालक नहीं होंगे और इसका बालक नहीं होंगे तो हम बांझ कर इसे छोड़ देंगे तो क्या सोचती है मैं इस अपराध में इस जुल्म में तेरा साथ दे दूंगा घबराओ क्यों सर मैं वो थोड़ी करवाऊं सु तो मैं पीछे मिल लेंगे देखिए मेरी बात सुन डॉक्टर का काम किसी की जिंदगी को आबाद करना है यानी के बर्बाद करना नहीं है आगे तूने एक भी लफ्ज कहा तो तुम्हें मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा समझी अच्छा डॉक्टर राम राम मैं चल ली हाय राम या भाई रोई रांड ते ऑपरेशन करवाण लाई थी या कित का इलाज करवाओ थी मेरा आन दे इसका इलाज तो मैं बांध दूंगी क्यों करे ना क्यों कर बेटी डॉक्टर को ना पाया फिर आना पड़ेगा चल अरे तन्ने भी तो सासू आंख दिखानी थी बैठ मैं देख का डॉक्टर ने ए ठीक से मेरी आंख तो फिर दिखा लूंगी चल ना सासू बैठ जा बस ए तू चल ना सासू बैठ जा मैं ही भाई हाँ जी कहिए क्या बात है आप डॉक्टर हो जी ना 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 डॉक्टर तो बाहर गया है मैं तो कंपाउंडर हूँ क्या काम था बोलो आँख बनवानी से बना देगा ना देख मैं तो कल लेता लग गया हूँ और मैंने अभी तो आँख बनानी आई नहीं है अरे बेवकूफ सारी उम्र कंपाउंडर रहने की सलाह से के डॉक्टर नहीं बनना के मैं तो नहीं चाहूँ कि थोड़ा सा डॉक्टर बन जाऊँ
तो भाई ऐसा मौका फिर नहीं था होगा तेरा। मैं ही मेरी सासू ने पकड़ कर लाऊ सू और तू उसकी आँखा पे ट्रेनिंग शुरू कर ले। देख जा फूट गई ना तो पास में उलाना मत दिए। अरे तन्ने क्या ही कभी उलाना नहीं दियूं, चाहे दोनों ये फोड़ दिए पर वह बांध नहीं पड़ेगी जेवड़ा तो। इतनी छूट मिले से तो मैं मौका क्यों चुकू, लिया बेच सकते हैं, आगे का मेरा है। ईब लाई तू इतना अपने चक्कू छुरे तैयार कर। अरे सासू चाल तेरी आँख दिखा ले, इतना डॉक्टर बैठा से। ये ठीक सुमत है, चल फिर दिखा लेंगे, मेरी आँखें कुछ ना हो रहा, छोड़ दे ना। आज तो आए रहे से, इतना लगते आता यो काम भी हो जाएगा। चल चल बेबे ना मानती तो, ले भाई संभाल इसने, इसकी आँख कति जमा ठीक कर दिए ले। तू घबरावा मत ना, तू बाहर बैठ जा और ताई तू आजा भीतर तकत पे लौट जा, तेरा त्योर ठीक कर दूं। अरे ठीक सुमा क्या मना हो रहा मेरी आँखें कर ना भाई ना, इन्हें तो नटन की आदत सही। अरे छोड़ दे रे मेरी आँख ठीक से। ताई तू चुप हो जा ना तो चक्कोर कितने बैठ जाएगा। ताई मैं अपनी कार्रवाई चालू करू हूँ और तू अलिए मत ना कतरी भी। हाय अरे ढेर के बीच फोड़ दी आँखे मर गिर रे। अरे इस आँख तरह दिखना बंद हो गया। अरे छोड़ दे फोड़ दी। अरे छोड़ क्यों दी, अरे छोड़ दे। अरे ये एक क्यों छोड़ दी, नदी फोड़ दे। हाय अरे कमीन के बीच तरह कीड़े पड़ी हो रे, और वो भी प्लास्टिक के रे। डॉक्टर तेरी माँ मरियो, हाय डॉक्टर तेरी माँ मरियो, रे डॉक्टर तेरी माँ मरियो, हाय डॉक्टर तेरी माँ मरियो, गली गली में बाप तेरा यो टूक मांगता हुए फिरियो, रे डॉक्टर तेरी माँ मरियो, हाय डॉक्टर तेरी माँ मरियो, रे डॉक्टर तेरी माँ मरियो, हाय डॉक्टर तेरी माँ मरियो। कप्तान के पापा, ए
देख इस मानस खानी ने मेरी गल क्या करी सै क्या मेरी आंख फड़वा दी और चोखा मत वहां जाई अस्पताल मत और ना तो यार डान मन्ना मरवा देती ए बहू ए मना बेरा था के तू उस है पर न्यू नहीं बेरा था के इतनी घटिया से इतनी कमी नहीं हरकत करेगी शाबाश चमचे शाबाश चमचे बतेरे देखे पर तेरा तो तड़ा तड़ा जिस काम खातरिया मन लेगी थी उसका तना नहीं बेरा या मेरा ऑपरेशन करवान खातर ले जाती या अपनी वंश बेल ना अपने हाथा काटती थी इस तक कमीनी औरत तो संसार में कोई भी नहीं पावे और तू इस रंड की मात्रे से मेरे बाप ने तो अपना घर ता ही गहना धर दिया फिर भी उसकी बेटी की ससुराल में कदर नहीं हुई और इस तक भी फालतू मेरे माँ बाप के देवे ईब तो अपने आप पे के सिवा बेचन ने उनका दौरा कुछ नहीं बेटी मैं क्या करूं मैं तो थरे बीच में फंस गया तू बीच में क्यों कर फंस गया तेरे भी हाँ में हाँ गले रही से ईब तई तो थरे जुलम बतेरे सह लिए पर मैं ईब आग नहीं सहूंगी ये दिखे से केस है ये से मुस्या की गोली बेटी इनका क्या करेगी इनके खाने से बहू मर भी जाती है और जब वह गोली खाती है तो पुलिस आती है और पुलिस के आने पर बहू बयान देती है कि गोली सासू ससुरे ने खिलाई है और उसके बाद पता है क्या होता है हाँ बेटी पता है इसके पाछे सासू ससुरे ने पुलिस पकड़ ले जाती है फिर वे जेल में चक्की पीसते हैं तो ससुर जी न्यू सोच लियो कि थारा चक्की पीसन का टेम आ लिया से मैं ये गोली खाऊंगी और तुमने भीतर करवाऊंगी अरे ना बेटी ना ए बावली ऐसा काम ना करिए बेटी देखे हम तेरी काली गऊ से ए हमने माफ कर दे मना तो मरना से गल तुमने भी लेकर मरूंगी बेटी मरे मत ना ए देखे तू जो भी कहेगी ना वो करेंगे और तेरे के कहे तो बाहर जासू बेटी मैं तो मेरी बात सुन पहले तुम्हारे घर के कागज दे हे ले 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 बेटी ले ले मन ने क्या करना सा मैं तो बावली थारे कागज देने में घने दिन तक तैयार थी और मारे घर के कागज कागज नहीं अपने घर के कागज भी मेरे बाप के नाम लिखा अपना घर हाँ तेरे बाप का नाम कत्ती यह बात ठीक को ना बेटी तो फिर खा लू गोली पागल रांड इस घर में कून रहेगा चाहे या मर गई तो सारी उम्र जेल में कटेगी हाँ भर ले तावड़ी सी हाँ भर ले बेटी मारा घर भी ले ले अरे बेटी हमने माफ कर दे हमने तेरे गेले बहुत जुलम करे से ए ए बेटी मने तो भगवान भी माफ ना करेगा मेरे ते के माफी मांगे से माफी मांगे तो मेरे माँ बाप ते मांग जिनकी तना आत्मा सताई से हे बेटी तू क्या कह से मैं तेरे माँ बाप का भी आज जोड़ का माफी मांग लूंगी ये मैं दहेज के लालच मान दी होगी थी आज जाकर मेरी आँख खुली से बेटी मैं तेरे माँ बाप द्वारा माफी मांग लूंगी पाँव पकड़ लूंगी बेटी वो अभी मना माफ कर देंगे ई भाई बुढ़ी तेरी अकल ठिकाना ईब तो तू धरती भी चाट लेगी ए बेटी गुड्डी है ओ मेरे तो माँ बाप भी आगे माँ राम 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 बेटी राम राम पिताजी राम 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 बेटी जीमती रहो और दूध मलाई पीमती रहो बेटी गुड्डी है हाँ पिताजी की रोला था करेगी रोला तो पिताजी ब्याह तो होता आया था ईब तई रोले का खात्मा हो गया बेटी हाँ बड़ी अच्छी बात चौधरी राम राम शुक्रा कर राम राम भगवान चौधरी ठीक टाइम पर आए सो आज हमारे घर में है ना लगता स्वर्ग बन गया देखिये मैंने बहुत बड़ी गलती कर रखी थी कोई बात ना कोई बात ना नहीं आज यह गलती थम ना माफ करके जानी पड़ेगी मेरी आँखें वह पट्टी बंद रही थी आज वह खुल गई कोई बात ना ठीली चौधरी इंसान से गलती हो जाती है और माफ भी हो जाती है देख चौधरी मैं तो माफ हुई जो मानूंगी जब अपने घर के कागज ले लेगा ले ले, मेरे के भी ले लेगा अरे राम राम इतना अपराध मैं करूं जो बेटी के दान में दिया जाता है वापस नहीं लेते हम फिर ठीक से चौधरी देख एक बात तो तना करनी पड़ेगी मैं तो जब जानूंगी तना माफ कर दी जब अब मेरे घर के कागज नहीं लेता ना तो कम तक हम अपने घर के तना लेने पड़ेंगे गुड्डी की माँ हाँ की क्या था इतना तेरी चौधरी बिल्कुल फिट होगी क्यों कर कागज दे अपने घर के भी हमारे के भी बताई मैं तो नाच गया सही कर फिर न्यू बोली के मारे के नहीं लेता था आप अपने तो जरूर ले ले मैं उन्हें भी नाच गया था
जीप चोदरन कैसा था लेने पड़ेंगे कोई बात ना लेने पड़ेंगे और ले ले लूं और ले ले कोई बात ना चोदरन कागज देवे चाहे ना देवे पर मारी बेटी ने सुखी रखी है हम तक कलर में भी रह लेंगे चोदरन इसी माड़ी के बात करी ये थारी छोरी ने इतना भी दुख नहीं होगा तेरी छोरी ने नूला लिया मेरी छोरी तब बाद रखूंगी मैं अंधी हो रही थी ना जो आँखें पट्टी बंद रही थी वह मेरी खुल गई चिंता की कोई बात नहीं बस इतनी है दया करियो हमारे पे बस हमने तो बहुत से बेटी गुड्डी है हाँ पिताजी तेरी सासु बिल्कुल फिट सीधी होगी अरे क्यों नहीं उखले बेटे चलन दे अगली पिताजी हाँ, तेरा बेटी ना पुत्ता फड़ो भगवान हाँ, ना कई कई बेटे दे शाबाश मैं प्रेम देख कर बहुत खुश है चिल्ली सुन ले बेटी गुड्डी तेरी माँ है एक किस्म की धर्म की एक जन्म की होती एक धर्म की अठारह हो गया बिल्कुल घर बढ़िया ईब नौका आग्रह बिना पढ़नी है बांच सके ना कितने श्लोक लिखे जा मूर्ख के ना ज्ञान लगे तातर जन रात देखे जा अपना तो अपना ही होश है और देश बेगाना होश है भीड़ परी में मानस की अपने की ताना होश है कमा कमा के धन जोड़ ले और ठीक खजाना होश है औरा के धन देख देख बेकूफ जवाना होश है चोरा के ना धन मिलता दुनिया की चीज ढके जा मूर्ख का ना ज्ञान लगे चातर दिन रात ढके जा बेटी प्रेम से रहना मारा तो यो एक कहना